बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल प्रेस से मुखातिब हो रखे हैं। चलिए आपको सीधा वही लिए चलते हैं। अप्रोच को लेकर हीन में चल रहा है, किसी प्रकार का हथीन में है, तो ऐसे अप्रोच वो भी अपने नितिन गडकरी जी से बात की हुई है, इनकी सारी चीज़ें लेकर के हम तक पहुँचाएंगे ताकि अप्रोच जो है नेशनल हाईवेज के ऊपर ये बन जाए। आयुष्मान भारत का बड़ा प्रोजेक्ट होम लेने जा रहे हैं, 21 तारीख को उसका प्रारंभ कर रहे हैं कि अभी तक 1,20,000 रुपये की जिनकी इनकम थी केंद्र सरकार की ओर से, उन्हीं को आयुष्मान भारत का लाभ मिलता है सारे देशभर में जैसा है। हमने उसमें अपनी ओर से इस राशि को 1,80,000 रुपया करवाया है, जो हमारा परिवार पहचान पत्र के हिसाब से बीपीएल की लिमिट है। इसके अंदर और एक लगभग 12 लाख परिवार और जुड़े हैं। इन सब परिवारों का जो खर्च है वो हरियाणा सरकार देगी। केंद्र सरकार की ओर से जो पहले 15 लाख 15.5 लाख की लिमिट है वो रहेगी, अब 27 लाख परिवार ऐसे हो जाएंगे जिनको ये लाभ मिलेगा। और इसकी शुरुआत हम करेंगे 21 नवंबर को। साथ ही एक नागरिक जो स्वास्थ्य सर्वेक्षण में जो मेडिकल टेस्ट है सबके, उस प्रकार की योजना भी 29 नवंबर से शुरू कर रहे हैं कि हर किसी नागरिक के जो स्वास्थ्य की जांच के प्रारंभिक टेस्ट होते हैं वो सब किए जाएंगे और उनको एक डिजिटल फॉर्म में रखा जाएगा ताकि कहीं भी शारीरिक दृष्टि से उसका कोई डॉक्टर है या कहीं उसका चेकअप होना या उसको कोई इलाज के लेके जाना, उसको वो देख सके। वर्ष में एक बार सबका ये टेस्ट हुआ करेगा। अभी वो भी हमने बीपीएल के लोगों का रखा है, दूसरे चरण में सभी विद्यार्थी जो बाकी बच जाएंगे उनका भी कराएंगे, तीसरे चरण में बाकी जो नागरिक हैं उनका भी सबका कराएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि 100% आबादी यानी उसका ये टेस्ट जो है ये एक बार हो। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या लगेगा उसका हेल्थ डिपार्टमेंट बैठ के विचार कर रहा है और प्रारंभ इसका अपने जो राष्ट्रपति महोदय हैं 29 नवंबर को कुरुक्षेत्र में इसका प्रारंभ करेंगे। इस प्रकार की कुछ योजना है, ये सारी हैं जिसके हमें चर्चा की। ये जो अभी हमने इसमें जो रखा है 1,80,000 से निचले वाले परिवार सारे उनका स्वास्थ्य सुरक्षण होगा, तो ये जो 3 चरण बताए ब्रांच का और बाद में, ये क्या इसी साल में या अगले दो? ये प्रारंभ हो जाएगा, फिर हमारी जितने भी कैपेसिटी है क्षमता है उसके हिसाब से लगातार चलेगा। पहले तो जहाँ जहाँ केंद्र हेल्थ सेंटर्स हैं, चाहे हॉस्पिटल्स हैं, फिर CHCs हैं, PHCs हैं, डिस्पेंसरीज हैं, सबके साथ गांव लगे हुए हैं, वहाँ प्रचार किया जाएगा, लोग अपने आप आकर के अपना टेस्ट कराएं। फिर एक सैचुरेशन पॉइंट के बाद हमारे पास जो व्हीकल्स हैं उन व्हीकल्स के माध्यम से जो लोग रह जाएंगे, क्योंकि डिजिटली ये सारा रिकॉर्ड रखा जाएगा, जो परिवार में व्यक्ति रह गए उन व्यक्तियों का उनके घर पर जा करके भी उनका टेस्ट लेंगे, या सैंपल मानो ब्लड सैंपल से ही काम चलता तो ब्लड सैंपल लेकर के आके उसका एनालिसिस किया जाएगा, उस मैटर किया जाएगा। सर, जो MBBS के छात्रों के लिए आपने बात बताई है, जो धरने प्रदर्शन चल रहे हैं बॉन्ड को लेकर के, आपने यहाँ भी चर्चा की है, अनौपचारिक कैबिनेट में भी हुई थी, असलियत में क्या सरकार सोच रही है इसमें निवारण को लेकर के और किस तरीके की मांग की जा रही है? निवारण बिल्कुल साफ है, इसमें किसी तो विद्यार्थी को कोई पैसा नहीं देना, किसी उनके माँ बाप को परिवार को नहीं देना, किसी गरीब व्यक्ति को नहीं देना, किसी सरकार में जब तक नौकरी वो कर रहे हैं तब तक उनको नहीं देना। केवल वो प्राइवेट नौकरी में यदि सरकारी नौकरी के बजाय वो जाते हैं, और प्राइवेट नौकरी भी जिसमें सरकारी नौकरी से जो उसको पैसा मिलता है उससे ज़्यादा उनको मिलता है, उस केस में मंथली इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। प्रारंभ में चले जाएंगे तो 7 साल, बीच में चले जाएंगे तो 7 साल में बचा हुआ जो पीरियड है वो देना पड़ेगा। इसके अलावा सभी विद्यार्थियों का जो फीस का ये पैसा जो बॉन्ड भरवाया जाएगा ये सरकार पे करेगी। सरकार भी बैंक से चाहेगी तो उनका लेगी, अगर मान लो वो सरकारी नौकरी करते रहते हैं तो केवल बॉन्ड रखा हुआ है उसका उपयोग भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम उपयोग करते हैं तो जब तक वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं तब तक सरकार उसकी पेमेंट करेगी, और जिस दिन वो छोड़ के प्राइवेट नौकरी में जाएंगे उस दिन उसकी फीस उसको देनी है, परिवार को नहीं देनी, किसी गरीब को नहीं देनी। और जब डॉक्टर कोई अच्छी प्राइवेट सैलरी में जाता तो सरकार से लगभग डबल पर जाता है, तो उस नाते से हम ये चाहते हैं कि ये लोग सेवा करने के भाव से सरकार की नौकरी 7 साल करें, उसके बाद कहीं जाएं। सेवा भाव, ये सरकार जैसे वेलफेयर की स्कीम चलाती है वैसा डॉक्टर भी रहना चाहिए कि 7 साल वो नौकरी सरकारी करें। 7 साल के बाद सर कुछ नहीं देना होगा, मतलब अगर 7 साल सरकार के स्वास्थ्य विभाग में नौकरी करता तो कुछ नहीं करें? उसका कुछ इस अवधि को सर कम करने को लेकर के कोई विचार है कि कम किया 4 साल करें या 3 साल? देखिए, वो जितना कम करेंगे उतना उसकी किस्त बढ़ जाएगी। 7 साल इसे रखा है कि वो इतनी नॉमिनल किस्त उनको बने जिसको वो आसानी से दे सकें। अगर कोई एक साथ पैसे जमा करा के जाना चाहता है तो
पहले से नहीं जा सकता, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो विधायकों को बेंच से भी लेने की जरूरत नहीं, विधायकों ने कहा क्या विधायक करेंगे क्या, कुछ नहीं, केवल जानकारी छात्रों को। अगर हमारे सारे लोगों को अपडेट भी रहना चाहिए, जानकारियां रहनी चाहिए, ताकि फील्ड में जाने के बाद कोई कंफ्यूजन ना हो, तो स्थिति सबको स्पष्ट है। सर, इसमें तो यह है जो कि छात्रों का ये मानना है कि कर्ज लेकर के एमबीबीएस का कोर्स अपने आप में ही बहुत महंगा होता है। हमने कर्ज नहीं लेना, नहीं जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं सर, कोई कर्ज नहीं लेना उन्होंने। आज तो अगर वो प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो उनको 1 करोड़ रुपए देना पड़ता है, सरकारी स्कूल में जो फीस पहले से चल रही है वही देनी है, किसी को कर्ज नहीं लेना है। और वो भी कर्ज भी अगर उठाएगी तो उनके नाम से सरकार उठाएगी, अगर उठाना है तो उनको पे नहीं करना है, पे सरकार करती रहेगी जब तक सरकार की नौकरी वो करेंगे। और जिस दिन वो छोड़ के जाएंगे उस दिन वो विद्यार्थी नहीं होंगे, उस दिन वो एमबीबीएस नहीं कर रहे होंगे, उस दिन वो अच्छे भले खासी तनख्वाह लेने वाले डॉक्टर हो चुके होंगे। कर्ज दिलाने में भी सरकार जो है मदद करेगी सर? वो तो आज जो बॉन्ड होगा तो बॉन्ड होगा, बैंक नहीं देगा उस बॉन्ड को, एनकैश करना कि नहीं करना ये सरकार उनकी नौकरी या उनकी जब एमबीबीएस पूरी हो जाएगी उसके बाद निर्णय करेंगे। अगर लगता है सरकारी नौकरी आदमी कर रहा है तो कोई सरकार को लेने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, हमें अगर फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आज अब हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुले हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेज भी उसमें 16-17-18 हो जाएंगे, और हर मेडिकल कॉलेज का 300 करोड़ से 400 करोड़ रुपये का साल का खर्च होता है, तो ये खर्च भी लगातार बढ़ रहा है। सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में पहले से कार्यक्रम आया हुआ कि इस प्रकार के प्रोफेशनल जितने भी संस्थान हैं उनको कैसे हम सेल्फ फाइनेंसिंग की ओर लेकर के जाएं, क्योंकि समाज में हर व्यक्ति को शिक्षा, अच्छी शिक्षा, हर व्यक्ति का इलाज, अच्छा इलाज, ये कैसे हो, उसमें जिन लोगों से कंट्रीब्यूशन ली जा सकती है उनसे लेनी चाहिए, जिनको नहीं ली जा सकती नहीं लेनी चाहिए।